भाई आज नवाब शाह में हमारा है मतलब आखिरी दिन। कहते हैं कि नवाबशाह की सुबह बहुत प्यारी होती है। भाई पीछे आप धुन देंगे हमारे कैसे खतरनाक मतलब शो वाली हो रही है। यहाँ के लोग यहाँ की गाड़ियाँ यहाँ के जानवर और गन्ने वाली गाड़ी। और इसी सुबह के लिए हम चार दोस्त कराची से नवाबशाह के लिए निकले। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। हेलो। हाँ यार कल नवाबशाह जा रहे हैं हम। चल रहे हो? कल? हाँ कल चलो। तो भाई अभी हम नवाबशाह के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी पैकिंग करनी पड़ेगी और सब्जी वाला भी आ गया। भाई यहाँ से नवाब शाह का रास्ता तकरीबन 3 से 4 घंटे लंबा है, और अगर इस रास्ते में लोफाई म्यूजिक ना हो तो मज़ा नहीं आता, काम नहीं बनता। फिर सीधा नवाब शाह में हमारी सुबह का आगाज होता है सीधा नाश्ते से। तो भाई अभी नवाब शाह के लिए बजने 4 और हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रमीर भाई हमारे सो रहे थे, वो अभी उठे हैं और हम जा रहे हैं अभी नाश्ते के लिए। अभी नाश्ता में कुछ पता नहीं कि किधर मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। भाई अभी हम अपने होटल के नीचे रुके हुए हैं, मतलब जहाँ रुके हुए हैं उधर हम नीचे उतरे नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ता करना है हमने। सुबह सुबह भी हमारी हुई है तकरीबन, अब 4 बज चुके हैं। नवील भाई सो रहे थे तो हम इधर उधर वेट कर रहे हैं, हम लोग बस हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं ऊपर है बस नवील और आदिल, वो भाई आएंगे तो हम नाश्ते के लिए कहीं जाएंगे। हमें कुछ पता नहीं है कि किधर मिलेगा नाश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा तो हम उधर जाएंगे। ऊपर से बोल हम आ रहे नाश्ते की, और कहाँ की नाश्ते पे जल्दी आओ। तो भाई नाश्ते के ढूंढने हम हमारे बॉयज आ गए, एक मैं एक ये 2 3 4 चार बॉयज आ चुके हैं और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि नाश्ता किधर मिलेगा। भाई भूख लग रही है, भूख बहुत लग रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा।
कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, भूख लग रही है, पेट पे हाथ लगा रहे हैं, बार बार कुछ मिल ही नहीं रहा है। खैर इतनी ख्वारी के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला, मिर्ची 360। मुझे दिमाग जो छाट आए फोटू आए रूम में आगे हम लोग और अभी हम सामान पैक कर रहे हैं और हर इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और लाइट जला दो आप रोशनी तेज हो जाएगी और अगले दिन की शुरुआत होती है फिर पैकिंग से क्योंकि घर के लिए भी तो निकलना है।